नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में दीपावली के त्योहारी धूम के साथ साथ चुनावी हलचल भी तेज है। विधानसभाओं के चुनावों में भी दोनों तरफ से पूरा दम लगाया जा रहा है और उपचुनाव की हर एक सीट पर भीषण जंग है। हर चुनाव में इंडिया गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है ताकि लोकसभा चुनावों वाला मोमेंटम बना रहे, जबकि हरियाणा जीत से उत्साहित एनडीए जीत की लय बरकरार रखने के लिए सारी ताकत झोंक रहा है। बिसात बिच गई, मोहरे तैयार हैं। खेल खुल चुका है और अब बारी है शहमात। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना एक कांग्रेस की फितरत रही है। एक तरफ गठबंधन इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए। महाराष्ट्र में गठबंधन के बंधनों में बंधे महारथियों का इम्तिहान है। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में गठबंधनों के बीच घमासान है। समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं कि 2027 हमारा है और पूरी ताकत के साथ हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। झारखंड में आर पार की लड़ाई के लिए गठबंधनों का शोर। झारखंड के सभी ऐसे क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेंगे और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे। इस समय जो है लड़ने का है, लड़िए। इसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। वायनाड में गठबंधनों के गणित से चुनाव घनघोर है। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. जब सरकार होगी दमदार। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, प्रत्याशी हैं, दावे हैं, वादे हैं, लेकिन चुनावी जंग की मुकम्मल तस्वीर एक बार फिर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की है। चुनाव महाराष्ट्र का हो, यूपी उपचुनाव हो या झारखंड के नतीजे, एनडीए और गठबंधन इंडिया की ताकत के तौर पर ही तोले जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति का भी सवाल है, लिहाजा गठबंधनों के अंदर भी तकरार है, सीटों को लेकर लड़ाई भी है। पहले बांट ली है, बाद में हमको देंगे सीट, ऐसा ये कोई तरीका ही नहीं है। बात करना चाहिए कायदे से, पहले नहीं करेंगे तो मैं 25 सीटें लड़ाऊंगा। मैं कोई इनको किसी को डरा नहीं रहा हूँ, किसी को होल नहीं दे रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी हूँ और मैं इस देश की तीसरी पार्टी हूँ, तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे पूरी की पूरी लड़ाने का हक है। मुझे जो है भरोसा नहीं है, ये लोग कई बार धोखा मुझे दे चुके हैं। प्रत्याशियों को लेकर आपस में चढ़ाई भी है। हम लोग सब लोग जो है चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, तो इसके लिए जो भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा झारखंड में शासन किया, और झारखंड को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उन लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण विरोधी लोग, जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण को भी लागू नहीं होने दिया झारखंड में, उसको जो है झारखंड की जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। समझौते और समझाइश है। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। दिवाली से पहले ही बयानों के बम फूट रहे हैं, वादों की फुलझड़ियां लेकर उम्मीदवार जनता के बीच निकल पड़े हैं। कहीं पटाखों की लड़ियां बिखर रही हैं, कहीं सीट बंटवारे के द्वंद ने चक्री की तरह पार्टियों को घुमा दिया है।
लेकिन कोशिश यही है कि मतदान तक जब चुनाव आए तब यही संदेश जाए कि एक लड़ाई अलग अलग पार्टियों की नहीं बल्कि दो गठबंधनों की है। महाराष्ट्र चुनाव में लड़ाई तो दो गठबंधनों के बीच है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे मुमकिन है ये तय करने कि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी, असली एनसीपी जनता किसे मान रही है, नकली एनसीपी जनता किसे मान रही है। बहरहाल उससे पहले दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर भी सरफुटवल जारी है। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसी जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, लेकिन जरूरत महाविकास आघाड़ी की बताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे का सवाल इतना तीखा हो चुका है कि नौबत आईना दिखाने तक आ पहुंची है। सवाल ये था कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली कई सीटों से नाराज हैं, जवाब भी सुनिए। महाराष्ट्र में तीन पार्टियां प्रमुख और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई तो सबको साथ लेकर चलना। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मुंबई और विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे को दी गई कई सीटों से नाराज है। उनका मानना है कि कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें उद्धव की पार्टी को दे दी गई। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंदर एक महाभारत समाजवादी पार्टी ने भी छेड़ रखी है। दावा 5 सीटों का है, ना मिलने की सूरत में 25 पर लड़ने का दम है। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है, मैं 5 तो मेरी पक्की है, एक दो सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ, ये सीट पवार साहब की है, अगर वो देना चाहे मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 MLA बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्दबुर्द किया ना तो 5 आपके MLA और कम होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि सीट बंटवारे पर बात बन गई है, कांग्रेस UBT और NCPS 85-85 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 33 सीट पर धीरे धीरे बात बन जाएगी। लेकिन जिस तरह अभी भी मुलाकातें और बातें चल रही है उससे लगता नहीं कि बात बन रही है। महाविकास अघाड़ी मजबूत है, एक है, और मेरे ख्याल से मुझे जो सामने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है, पर बोले सब हो गया जितेंद्र। पंजे सीट शेयरिंग से मेरिट ज्या ठिकाणी होतं त्या त्या ठिकाणी जे जे उमेदवार होते त्या उमेदवारांचं सिलेक्शन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। महायुति में अगर देखा जाए तो लगभग 276 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन 12 सीटें अब भी ऐसी बची हैं जिन पर पेच फंसा है। उनमें भी 7 सीटें ऐसी हैं जहां लगातार सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच पालघर, बोईसर, नाला सोपारा, बसई सीट पर एक राय बनाने के लिए बातचीत जारी है। इसी तरह बीजेपी और NCP के बीच बड़गांव शेरी, अष्टी और तास गांव की सीट पर तालमेल होना अभी बाकी है। महायुति में कई सीटों पर बात ना बनते देख दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली, जिसके बाद कई सीटों पर स्थिति क्लियर हो सकी, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर बात नहीं बनी है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी को चुना और वायनाड को छोड़ा। अब वायनाड से बहन प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर पार्टियों का समीकरण भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। I'd like to remind you, I am here to fight for you
I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. But now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में ये तीन चेहरे हैं जो प्रमुखता से चुनावी लड़ाई के मैदान में हैं। गठबंधन यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान महाराष्ट्र की तरह ही वायनाड में अलग नाम से है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस गठबंधन के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी हैं। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल हैं। एनडीए की प्रत्याशी नव्या हरिदास हैं। मुख्य रूप से यहां बीजेपी है और साथ में भारत धर्म जनसेना है। प्रियंका गांधी जब यहां वोट मांगने आई तो उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला दिया। This is the first time that I am campaigning for your support for myself. राहुल गांधी जब अपनी बहन के लिए प्रचार में उतरे तो वायनाड से पार्टी और परिवार का रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has two members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament, and they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. Wayanad se Rahul Gandhi do baar jeet chuke hain. Iske alawa bhi ye seat Congress ka gadh rahi hai. 2008 mein parisiman ke baad ye seat astitv mein aayi. 2009 se yahan Congress ka pratyashi hi chunav jeet raha hai. कांग्रेस का यहां मुख्य मुकाबला लेफ्ट पार्टी से रहता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की जनता को चिट्ठी लिखकर एक भावुक अपील की है। ये पत्र यूडीएफ गठबंधन घर घर पहुंचाएगा। बीजेपी का वोट शेयर केरल में धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव में तो पहली बार बीजेपी का खाता भी खुला था, लिहाजा वो यहाँ कमजोर नहीं दिखना चाहती। बीजेपी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नव्या हरिदास को टिकट दिया। नव्या भी पूरी जी जान से मैदान में उतरी हुई है। And we are getting a very good positive response from the people of Wayanad, not only from the BJP workers, but all the public is also supporting BJP a lot. I think for Congress, it's going to be a tough election this time because they have lost the faith in people of Wayanad. Rahul Gandhi had given a promise to the people of Wayanad that he is going to be with them for the next 5 years. Now, soon after he had won the seat in Raebareli, he left Wayanad. चुनावी मुकाबले में एलडीएफ प्रत्याशी सत्यन मोकेरी भी कड़ी टक्कर देने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे केरल में है। സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള നാലാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ്. ആ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് വയനാട് പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരിൽ ഒരാളായി അവരോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും. വയനാട് മേ അസ്ലി ഇന്ത്യ അലയൻസ് ഹെ കോൺ പ്രിയങ്ക വാഡ്ര ജി ബി ചുനാവ് ലഡ് രീ ഹെ വഹാ പർ മോകേരി ജി ബി ലെഫ്റ്റ് സെ ചുനാവ് ലഡ് രേ ഹെ ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है, अब जनता पूछ रही है कि असली इंडिया अलायंस इनमें से कौन है। प्रियंका अगर जीतती है तो कांग्रेस परिवार के तीन सांसद होंगे, मां राज्यसभा में और राहुल के साथ प्रियंका लोकसभा में। वैसे अगर देखा जाए तो वायनाड का नतीजा न सिर्फ लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधि तय करेगा, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर भी लगी रहेंगी, ये तय है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अहम नहीं है, जवाब किसी तरफ से नहीं आता, लेकिन उम्मीदें तो कई दिग्गजों के मन में बन ही रही हैं।
इन सब के बीच महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे भी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहाँ जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। आरक्षणाच्या बाबतीत मोदी देतील तो निर्णय आम्हाला मान्य। आता आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन कशासाठी केलं होतं? मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी। ते तर सरकारने दिलेलं आहे। सबको आरक्षण बचाना है, फिर भी सबका आरक्षण पर निशाना है। सवाल ये उठता है कि जब सब आरक्षण के रक्षक हैं, तो फिर खतरा किससे है? आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति का सदाबहार मुद्दा है। समय समय पर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन अभी ये मुद्दा क्यों सुर्खियों में है, इसके लिए महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के नेता का ये बयान सुनिए। राहुल जी ऐसे एक व्यक्ति है देश के लिए कि जिन्हें संविधान के सुरक्षा के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और देश की जनता जानती है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहफुले अंबेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहफुले अंबेडकर विचारों का अपमान किया है, अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। कांग्रेस नेता ने ये बात राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान के संदर्भ में कही, लेकिन महायुति के लिए इसमें मुद्दा दिख गया। तो जैसे ही महायुति में बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करके बाहर निकले, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का असली चेहरा और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, ये विदेश में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इससे पूरे तरीके से स्पष्ट हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहाँ जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। चुनावी माहौल में मुद्दा गर्म है तो महाविकास अघाड़ी और महायुति के साथियों के बीच इस पर बहस छिड़ गई है। आरक्षण तुम्हाला जर का ओबीसीच्या मर्यादा वाढवायच्या आहेत, मराठा किंवा धनगरांना आरक्षण देताना आदिवासींना दुखवायचं नसेल, मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींना दुखवायचं नसेल, पहिले दुखवायचं आहे की नाही हे मोदींनी सांगायला पाहिजे, सत्ताधारी पक्षाने सांगायला पाहिजे। आणि आरक्षण वाढवण्यासाठी लोकसभेत जर तुम्ही काही प्रयत्न करू इच्छित असाल तर सर्वमान्य तोडगा तिकडे निघत असेल तर आज मी त्या तोडग्याला पाठिंबा द्यायला तयार आहे। याच मराठा समाजाला जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा पहिल्यांदा इतक्या वर्षातून पहिल्यांदा आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला। आरक्षण के मुद्दे पर ही मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटील की नामांकन के अंतिम दिन चुनावी माहौल में हलचल मचाने की तैयारी कर चुके हैं। समाज में मुद्दे और भी हैं और इनमें कई तो ऐसे हैं जिनमें गंभीरतम आरोप लग रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि इलेक्शन है और इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं। 88-91 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सन्माननीय शरद पवार जी थे, उनकी मीटिंग किसके साथ हुई इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई, सोने से माला उनको पहनाई गई वहां पर। महाराष्ट्र चुनाव में एक मुद्दा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का भी है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, ये महाराष्ट्र है भाई। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों और बयान वाले पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक मुद्दा तो है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी इस मुद्दे पर सामने आ रही है कि माइनॉरिटीज को अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो माइनॉरिटीज को गुस्सा तो आएगा, दुख तो होगा उनको, लेकिन जहां जहां हम लड़ेंगे माइनॉरिटी को वोट हमको पक्का मिलेगा। अगर वहां पे दूसरी कोई माइनॉरिटी की पार्टी लड़ेगी तो उसको वोट चला जाएगा और उससे क्या होगा कि फिर सीटें कम हो जाएंगी और फिर क्या होगा कि वो कहते हैं कि अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर ऐसे होगा ना। अभी हारे थे ना यहाँ पे और अभी हरियाणा में हारे हैं, फिर सर पकड़ के बैठेंगे, चिंतन बैठक फिर होगी साली, क्या बता।
एक मुद्दा महाविकास अघाड़ी और महायुति यानी दोनों गठबंधनों में कॉमन है और वो है असली नकली पहचान का मुद्दा। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है कि वो असली है, महायुति में शिवसेना शिंदे का दावा है कि असली शिवसेना अब उनके पास है। ओनरशिप ऑफ देयर पार्टी और व्हाटएवर दैट लिटिल गट इज 50% अदानी एंड 50% बीजेपी, दे आर द ओनर्स ऑफ हिज गैंग। लोगों को लगा राजदेव लोकसभा में, यार क्या ये पार्टी कितना दिन चलेगी, कितने एमपीज आएंगे, हाँ कितना दिन सरकार चलेगा, 10 दिन चलेगा किसने बोला, किसने बोला 2 महीना चलेगा, किसने बोला 6 महीना चलेगा। तो जिस जिसने हल्के में लिया उनकी क्या परिस्थिति हो गई वो लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया। चुनावों के बाद असली नकली का फैसला भी जनता कर ही देगी। चुनावों में सवाल यह भी बड़ा हो जाता है कि गठबंधन में सीट बंटवारे का संतुलन जरूरी है या फिर किसी भी चुनाव में जीत जरूरी है, यही सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठा। लेकिन जवाब तलाशते तलाशते समाजवादी पार्टी सभी 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीत की ही खातिर कांग्रेस पार्टी अपने बलिदान की बात कर रही है। लेकिन साथ ही उस ओर से उंगलियां बीजेपी पर भी उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि उसने सीट बंटवारे में अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं किया। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों। अखिलेश यादव को कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। यही मोमेंटम 2022 में भी बनेगा। हमारा ध्येय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई खुल चुकी है। 9 के 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी आपको खैर से लेकर के और मझवा तक बड़ी जीत देने जा रही है। ये यूपी है भैया, देश की राजनीति का मंचन यहाँ रोज होता है। पल में माशा पल में तोला की तरह सियासत बदलती है। अब देखिए जरा, कहाँ तो कांग्रेस की उपचुनाव में 5 सीटों की दावेदारी थी, 2 सीटें मिलने की तो पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन अंत में न माया मिली न राम, सीटें कर दी कुर्बान गठबंधन के नाम। 5 सीट की बात शुरू से थी और आखिरी तक थी, पर बाद में निर्णय हुआ कि हम लोग जो प्रदेश के हित को देखते हुए प्रदेश के अंदर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और जो आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जंगल राज कायम किया भाजपा ने, इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनमानस उपचुनाव में सजग है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का धन्यवाद कि उसने सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए अधिकृत किया और समाजवादी पार्टी आपको खैर से लेकर के और मझवा तक बड़ी जीत देने जा रही है। चुनावी राजनीति का वायरल चल रहा है आजकल, तो जब मिले इंडिया गठबंधन पर प्रहार का मौका, बीजेपी क्यों न जड़े सियासी चौका। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जाकर कांग्रेस के आगे भीखा कटोरा मार रखा था, उसी प्रकार कांग्रेस ने यूपी में रखा, दोनों ने एक दूसरे को भीख देने से मना कर दिया, परंतु सच ये है कि आपस में झगड़ा है, फुटाल है, ये दिखता है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है और हम हमेशा उत्तर प्रदेश में ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशान ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और अपने सहयोगी दल को हम सकारात्मक रूप से बातचीत करके राजी करेंगे। खैर, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई सीटें नहीं छोड़ता। अभी बहुत दिन नहीं हुए थे जब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से सीटें मांगते मांगते अखिलेश यादव ने भी दावा छोड़ दिया और गठबंधन की मजबूती के लिए कुर्बानी दे दी। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीत है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीत हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं
न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। मतलब साफ है कि गठबंधन को प्यारी है कुर्बानी। लेकिन सवाल तो उठते ही है कि आखिर जिस यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने लगातार जमीन मजबूत करने की कोशिशें की, राहुल गांधी ने कई दौरे किए, वो कांग्रेस कुर्बानी के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या हरियाणा में हार के बाद गठबंधन की अहमियत ज्यादा बढ़ गई? जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस काफी पीछे रही तो क्या दबाव बढ़ गया? उपचुनाव में हार का रिस्क लेकर 2027 में अपनी दावेदारी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती? आंकड़ों और संगठनात्मक शक्ति के हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से काफी मजबूत है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है वहां भी समाजवादी पार्टी की ताकत ज्यादा है। अब कम से कम ये संदेश तो देने की कोशिश हो ही रही है कि इंडिया गठबंधन के लिए सीटों से बड़ा साथ है और बड़ी लड़ाई के लिए साइकिल के साथ हाथ है। वैसे खटपट एनडीए में भी कम नहीं हुई, ये बात और है कि लड़ाई सतह पर नहीं आई। संजय निषाद कटहरी और मंझवा सीट मांगते रहे लेकिन नहीं मिली। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार मैदान में उतारे। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने इसके लिए हम लोग आए हैं, ये हमारे मिशन का कार्य है। निषाद पार्टी ने मांगे जरूर रखी लेकिन फिर शांति से मान गई। संकेत एनडीए का भी साफ है कि सब साथ साथ हैं। गठबंधन के सौहार्द में एक सीट आरएलडी को दी गई है। अब लड़ाई दोनों तरफ बराबर है। बीजेपी को पिछड़े, दलित और अगड़ों के वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। मामला पीडीए वर्सेस पीडीए बनता दिख रहा है। लड़ाई इन्हीं के बीच कटने और बटने की भी चल रही है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। घमासान चालू है, ऐसे में बीएसपी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, वोटों के लिहाज से जहां वो मजबूत रहेगी वहां वोट बटेंगे भी और कटेंगे भी। यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के बाय इलेक्शन हो रहे, हमारी पार्टी 10 सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। उपचुनावों के दंगल की तैयारी इतनी जबरदस्त है तो वोट डालने की तारीख 13 नवंबर आते आते लड़ाई कितनी आक्रामक होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हर सीट हर दल के लिए जरूरी है क्योंकि 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए खुद को मजबूत दिखाना मजबूरी है। झारखंड चुनावों में दोनों गठबंधनों के बीच क्या कुछ चल रहा है अब आपको वो दिखाते हैं। जो जनता है वो फिर से इस सरकार को चुनेगी। 5 साल में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हटिया की जनता के आशीर्वाद से फिर कमल फर्स्ट आएगा और खिलेगा। झारखंड झुकेगा नहीं, आज सिर्फ नारा नहीं बल्कि हेमंत जी के साथ साथ पूरे झारखंड के लिए संकल्प वाक्य है। फिर से हम लोग हेमंत जी के नेतृत्व में आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। सरकार आती है जो परिवार पर पैसे की, ये ही लोग राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे झारखंड हो के पहुंचा। बीजेपी झारखंड में फिर से कमल खिलाने के लिए एनडीए की पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन हरियाणा से सबक लेते हुए बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तरह कमर कसे है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो विरोधी रहा है, झारखंड राज्य के सपने को 70 साल तक पूरा होने नहीं दिया,
वैसे कांग्रेस के साथ आ सरकार बना करके आप सोचते हैं कि झारखंड का भविष्य बेहतर होगा? पहले इसको अलायंस को बरकरार रखना वो पहली प्रायोरिटी है, और जो हमारे विरोधी है उनको पराजित करना है वो दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरा ये है कि सरकार को रिटेन करना है, लोगों की खदमत करने के लिए हमारी सरकार वापस मजबूती से आए, ये सारे वर्कर धीरे धीरे समझ रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। माहौल आप पूरे राज्य में देखने को मिलेगा, कमोबेश हर 5 साल से हर लोग थका हुआ महसूस कर रहा है, हर वर्ग थका हुआ महसूस कर रहा है। एनडीए में बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 30 पर, जेएमएम 40 पर, 11 सीटों पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं। 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी। झारखंड में ये जो ठग और लुटेरों की जो सरकार है इससे झारखंड को मुक्त करना है, उसके लिए चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे जितने साथ साथ जो मोर्चा है, सब मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा गया कि भाई आप जो बचा हुआ समय है पूरे चुनाव में इस समय को आप लगा दें। अगर पिछले 2019 में हुए चुनाव के आधार पर देखा जाए तो तब इंडिया गठबंधन की जगह महागठबंधन था, जिसमें जेएमएम 43 सीट पर लड़ी और 30 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने 31 में 16 और आरजेडी ने 7 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। एनडीए में बीजेपी ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 25 सीटें जीती। तब आजसू ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 53 में से सिर्फ 2 सीटें जीती थी। जेडीयू भी अलग लड़ी, 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और एक भी सीट नहीं जीती। इस बार एनडीए गठबंधन संगठित है और जीत की दावेदारी कर रहा है। ये अगर आ गए तो झारखंड नहीं बचेगा, ये जनता समझ रही है, और इसलिए रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का। हमें सरकार बनाना है, झारखंड को विकास का एक नया शिखरों में लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हम लोग मिलकर कर देंगे। तो जहां हम लोग का गठबंधन मजबूती से झारखंड में हुआ है, वही परिणामों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में बनाएंगे। बीजेपी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग को भी काफी महत्ता दी है और एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें चंपाई, लोबिन और सुदेश की तिकड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चंपाई को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और इस क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। चंपाई सोरेन को जोड़ना बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा था। पूर्व जेएमएम नेता लोबिन हेम्ब्रम की ताकत राजमहल और साहिबगंज क्षेत्र में काफी है, बीजेपी ने उन्हें भी जोड़ा। 2019 में अलग चुनाव लड़कर मात खाए आजसू नेता सुदेश महतो भी अब बीजेपी के साथ हैं। आजसू का कुड़मी जाति के 25% वोट पर अच्छा असर है। 2014 में बीजेपी और आजसू जब साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी ने 37 और आजसू ने 5 सीटें जीती थी। एनडीए से अलग इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ता दिख तो रहा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कई बार खटास भी सामने आई। विश्रामपुर सीट पर तो आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने ही आ गए। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है। भ्रष्टाचार, बाकी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। जनता का मिजाज तय करेगा कि झारखंड का असली टाइगर कौन। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।